एवरीवन, वेलकम बैक। होली आने वाली है और होली हो दही वड़ा ना बने तो होली का क्या मजा। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दही वड़े की रेसिपी, जिसको हम बिना किसी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा के बनाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर मैं आपके साथ दो मेथड शेयर करूंगी दही वड़ा बनाने के लिए। पहला जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है, यानी हम जो वड़े को फ्राई करते हैं। दूसरा एक हेल्दी वर्जन, जिसमें आप वड़े को फ्राई ना करके हम वड़े को स्टीम करेंगे। तो जो लोग थोड़े हेल्थ कॉन्शियस हैं या कम ऑयल खाना पसंद करते हैं, उनके लिए भी ये वड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो चलिए देखते हैं हमें वड़ा बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं हमें दही वड़ा कैसे बनाना है। वड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल ली है। मैंने यहाँ पर साबुत उड़द दाल ली है। आप चाहें तो स्प्लिटेड दाल भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक कप दाल को रात भर भिगो कर रखा था। अगर आप रात भर नहीं भिगो सकते हैं तो कम से कम 5 घंटे के लिए दाल को जरूर भिगोएं। भिगोने के बाद आपको दाल को ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते समय आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि आप दाल में बहुत कम पानी डालकर उसको ग्राइंड करें। बस उतना ही पानी डालें जितने में आपकी दाल जो है ग्राइंड हो जाए। आपको एक थिक पेस्ट बनाना है दाल का। ये देखिए हमारा थिक पेस्ट बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आप दाल में ज़्यादा पानी डालेंगे ग्राइंड करते समय, तो दाल ग्राइंड भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पानी अगर उसमें हो जाएगा तो जब आप बड़े वड़ा बनाएंगे तो आपका वड़ा जो है वो उतना सॉफ्ट और अच्छे से शेप नहीं ले पाएगा। अब हमें इस बैटर को हाथ से थोड़ा सा बीट करना होगा, फेंटना होगा, ताकि इसके अंदर एयर आ सके और हमारी जो वड़ी है वो सॉफ्ट बन सके। कुछ लोग यहाँ पर सोडा भी यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा भी यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पर कोई सोडा या कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ। स्टिल हमारे वड़े बहुत सॉफ्ट बनेंगे। उसका रीज़न यही है कि जितना अच्छे से आप दाल को बीट करेंगे उतना अच्छे आपके, यानी उतना सॉफ्ट आपके वड़े बनेंगे। कम से कम आपको 7 से 10 मिनट तक इसको बीट करना है। जब आपको लगे कि आपकी जो दाल है ये थोड़ी फ्लफी सी होने लगी है, तब आप इसको बीट करना बंद कर सकते हैं। ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसमें बाकी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। ड्राई फ्रूट्स में मैंने किशमिश, काजू और चिरौंजी ली है। कुछ काली मिर्च ली है। आप काली मिर्च चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, बट मुझे काली मिर्च अच्छी लगती है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड की है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून सौंफ। सौंफ डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। 1 टीस्पून सॉल्ट। वड़े में हम बहुत ज़्यादा सॉल्ट नहीं डालेंगे क्योंकि हम बाद में जब दही बनाएंगे, दही मिक्स करेंगे, तब हम उसमें सॉल्ट डालेंगे। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। अब पहला मेथड जो है वो मैं आपको हेल्दी मेथड बता रही हूँ, जो है स्टीम करने का। स्टीम करने के लिए आपको एक पैन में पानी लेना है, जिसको आपको हल्का सा बॉइलिंग टेम्परेचर पे लाना है। और उसके बाद मेरे पास ये स्टील का स्टीमर है, मैंने उसको रख लिया है। यहाँ पर आप इसको डायरेक्टली ग्रीस करके भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपर लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप पेपर लाइनर के ऊपर वड़ा बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए कितना आसानी से यहाँ पर आपके वड़े बन जाएंगे। आपको स्टीम करना है तो आप बहुत ज़्यादा बड़े बड़े वड़े ना बनाएं। स्टीम करने में छोटे छोटे वड़े बनाएं ताकि आपके वड़े जो हैं वो अंदर तक पक सके। ये देखिए हमारे सारे वड़े हमने बना लिए हैं। अब हम इनको स्टीम करने के लिए रखेंगे 8 से 10 मिनट के लिए। वड़े के सेंटर में फोक से चेक करेंगे
कि अगर आपका वड़ा जो है वो पक गया है तो जब आप फोक को निकालेंगे तो उसमें कोई भी दाल नहीं लगी होगी। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि आपका वड़ा नहीं पका है तो आप 2 से 3 मिनट और उसको स्टीम कर सकते हैं। ये देखिए हमारा स्टीम्ड वड़ा बिल्कुल रेडी है। दूसरा मेथड बहुत इजी है। आपको एक पैन में ऑयल लेना है, उस ऑयल को आपको मीडियम टेम्परेचर पर हीट करना है और अपने वड़ों को डालना स्टार्ट करना है। ये देखिए हमने वड़े डाल दिए हैं पैन में। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको वड़ों को टर्न करने में बहुत जल्दी नहीं करनी है। जब आपको लगे कि वड़ा एक साइड से थोड़ा सा फ्राई हो गया है तभी आप उसको टर्न करें, अदरवाइज आपके जो वड़े हैं वो फट जाएंगे। और हमें इन्हें बहुत ज्यादा भी नहीं ब्राउन करना है, हमें इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है और गैस को मीडियम ही रखना है। ये देखिए हमारे वड़े बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। जब आपके वड़े ठंडे हो जाएं तब आपको वार्म वाटर लेना है एक बोल में, और जितने वड़े आपको समय यूज करने हैं उतने वड़ों को आप पानी में कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए डिप होने के लिए रख दें ताकि आपके वड़े सॉफ्ट हो जाएं। तब तक हम बाकी चीजों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। यहां पर मैंने रूम टेम्परेचर पर दही ली है जिसमें मैंने आधा चम्मच शुगर डाली है और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साइड में रख देंगे। मसाला रेडी कर लेते हैं। मसाले में मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून काला नमक लिया है, धनिया लिया है 1/2 टीस्पून, रेड चिली पाउडर लिया है 1/4 टीस्पून, देगी मिर्च ली है 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। इस मसाले को भी हम मिक्स करके रख लेते हैं। हम जब चाट प्रिपेयर करेंगे तब हम इसको यूज करेंगे। आज मुझे याद आया इंडिया में कैसे कितने अच्छे से स्टॉल पर चाट वाले भैया अच्छे से चाट लगा के देते हैं, तो चलिए आज हम भी वैसे ही दही बड़े की चाट बनाते हैं और आप इंजॉय करिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।